तो आज तो मेरे जो नेक्स्ट है बेटा ऑप्टिकल हो चुका कंप्लीट। नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं कॉन्फर्मेशनल और इसे बोलते हैं रोटेशनल आइसोमेरिज्म। तो कंफर्मर्स का मतलब होता है सेम स्ट्रक्चर, ठीक है ना बेटा। कंफर्मर्स का मतलब क्या होता है, कंफर्मर्स का टर्म्स का मतलब होता है सेम स्ट्रक्चर। और रोटेशनल कहाँ से आया होगा टर्म बेटा, जब कोई रोटेट होगा तब। तो रोटेशन किसमें होता है, सिंगल बोन में हो सकता है या एल्किन डबल बोन एल्काइन ट्रिपल बोन, किस पर रोटेशन पॉसिबल है बेटा। अल्किन एल्केन, जिसमें एल्केन में कहां से एल्केन, एल्केन ना सर एल्केन बोल एल्केन, अच्छा एल्केन ही बोले सॉरी बच्चा। तो एल्केन में रोटेशन हो सकता है बेटा क्योंकि वहां पे क्या होता है सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। एल्केन में रोटेशन हो सकता है क्योंकि वहां क्या होगा बच्चा, सिंगल बॉन्ड होगा, तो सिंगल बॉन्ड के कारण रोटेशन हो जाएगा वहां पे। सर हाँ बेटा सर ये पर वो कंफर्मेशन हेलो यार अभी स्टार्टिंग में है, अभी बोलता है क्या बेटा। कंफर्मर्स मतलब होता है सेम स्ट्रक्चर, रोटेशनल का मतलब होता है रोटेट होगा, तो रोटेशन किस में होगा, ये तीन शब्द ही तो बोले हैं बेटा। तो रोटेशनल किस में होगा बेटा, एल्केन मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एल्कीन मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एल्काइन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, किस में रोटेशन होता है बेटा। एल्केन में जहां पे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो रोटेट हो सकता है, डबल बॉन्ड आएगा तो रोटेशन नहीं होगा नहीं तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। सेम यही कंडीशन ट्रिपल बॉन्ड है तो भी रोटेशन नहीं होगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो जितने भी कंफर्मर्स हैं ये सिर्फ किसमें मिलेंगे बेटा, एल्केन और एल्केन डेरिवेटिव में। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मेन टॉपिक क्या है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में जिसके अंदर है कंफर्मेशनल, ठीक है ना बेटा। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले क्या क्या चीजें कॉमन देता है बेटा, क्या क्या चीजें कॉमन देता है बेटा, इफ टू और मोर देन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड, इफ टू और मोर देन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और क्या सेम होता है बेटा बोलो, क्या सेम होता है ये भी भूल गए। आईयूपीएसी नेम स्ट्रक्चर में आईयूपीएसी नेम चेंज होता है, यहाँ पे आईयूपीएसी नेम भी क्या होता है सेम, एक टू और मोर देन टू कंपाउंड कंटेन सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड आईयूपीएसी नेम, तो उसके कारण क्या होगा बेटा। अब यहाँ पे डिफरेंस आएगा F2 और मोर देन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड आईयूपीएसी नेम, बट दे डिफर ड्यू टू, इसके कारण डिफर होंगे बेटा ड्यू टू कार्बन कार्बन सिंगल बोन रोटेशन, कार्बन कार्बन क्या होंगे सिंगल बोन रोटेशन, but they differ due to carbon-carbon single bond rotation, hence it is called rotamers या फिर conformers, and phenomena is called rotational rotational and conformational isomerism. तो एक से ज्यादा कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, आईयूपीएसी नेम सेम है, अगर उनमें कार्बन कार्बन रोटेशन के बीच के कारण मतलब रोटेशन हो रहा है कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड के कारण, कार्बन कार्बन में रोटेशन हो रहा है, तो उससे जो आइसोमर्स बनेंगे वो रोटामर्स
रोटेट हो रहे, इसलिए कंफर्मर्स मतलब रोटेट होने के बाद भी एक जैसे ही स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, हाइब्रिडेशन चेंज या फिर ऐसा कुछ चेंज होता नहीं है वहां पे, तो कंफर्मर्स में आएगा और फिर ना रोटेशनल। तो इस चीज को नोट कर लो बेटा, अब ये डेफिनेशन ज्यादा अच्छे से क्लियर तब होगा जब एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल भी डेफिनेशन नोट करो, और एग्जाम्पल डिस्कस करने से पहले कुछ इनको बताने के लिए कुछ प्रोजेक्शन फॉर्मूला यूज होता है, जैसे ऑप्टिकल में फिशर यूज किए थे वैसे यहाँ पे, तो उनको पढ़ते हैं, ठीक है ना बेटा। तो फिलहाल पहले डेफिनेशन नोट कर लो, इनको समझने से पहले एक प्रोजेक्शन फॉर्मूला को देख लेते हैं बेटा। टॉपिक छोटा सा टॉपिक है प्रोजेक्शन फॉर्मूला, प्रोजेक्शन फॉर्मूला। एक प्रोजेक्शन फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, कौन सा बेटा? फिशर। फिशर फिशर एक और पढ़ चुके हैं, कौन सा? दो फॉर्मूला हो चुका है क्लास में, एक तो फिशर सबको ऑफिशियली हमने मैंने नोट करवा दिया था कि है, एक है ना ऑफिशियली नोट नहीं करवाया था बेटा, पर बताया था, ठीक है ना, ऑफिशियली बोल सकते बताया, कोई ध्यान दिया है? वेज डेज, जो वेज डेज स्ट्रक्चर था ना वही वेज डेज प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो फिशर, फिशर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? सेंटर में कार्बन रहता है, उसके कार्बन के चारों वैलेंसी को इस तरह से प्लस साइन से ना। इस फॉर्मूले की खासियत क्या है बेटा? राइट और लेफ्ट वाले जो ग्रुप है वो कहाँ होता है बेटा? अब होता प्लेन में, प्लेन के ऊपर, और अप एंड डाउन वाले हैं वो कहाँ पे होते हैं? बिलो द प्लेन। ये था प्रोजेक्शन फॉर्मूला फिशर का। एक बात और याद रखना, ये हमेशा एक्लिप्स फॉर्म में होता है, यहाँ पे स्टेगर और एक्लिप्स दो वर्ड यूज होता है। ऑलवेज इन एक्लिप्स फॉर्म। अब कई लोगों को समझ में नहीं आएगा ये एक्लिप्स फॉर्म क्या होता है बेटा। वर्ड ये टर्म्स यूज कई बार हुआ होगा लाइफ में, लॉकडाउन के समय तो एक दो बार देख भी लिया होगा सोलर एक्लिप्स, ठीक है। तो ये एक्लिप्स फॉर्म क्या बताता है बेटा, क्या समझते हो एक्लिप्स फॉर्म से? सोलर एक्लिप्स पढ़े हो, सुने हो, ठीक है ना, मून एक्लिप्स, तो बताओ चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण इस बारे में क्या समझते हो, क्या होता है एक्लिप्स का मतलब? बोले जल्दी, एक्लिप्स का मतलब नहीं हो? हाँ बेटा, कोई कुछ बोल रहा था, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में है, दो ऑब्जेक्ट है उसमें क्या बोल रहे हो? दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में आता था, एक लाइन में फॉर्म होता था, इसका मतलब एक्लिप्स नहीं होता, बीच में आना पे एक्लिप्स नहीं बोलते हैं, टांग लड़ाना बोलते हैं उसका, ठीक है ना, दो लोगों के बीच में आना टांग लड़ाना बोलते हैं। हाँ छुप जाना सर, जो ऑर्बिट बनाता है छुप जाना, सही वर्ड हो सकता है, ठीक है ना बेटा, मतलब एक जो है उसके सामने कोई बड़ा चीज आ गया है, उसके जैसा सेम चीज आ गया, ठीक है ना, मान लीजिए छोटा गोला है, इसके सामने ऐसा बड़ा सा गोला आ गया, ये छोटा गोला इसके पीछे कवर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा, छुप जाएगा कि नहीं? इसको बोला जाता है एक्लिप्स, ठीक है ना, दो लोगों के बीच किसी एक को आना, उसको बोलते हैं टांग लड़ाना, ठीक है ना बेटा। तो एक्लिप्स का मतलब समझ में आया बेटा, कोई सेम टाइप का स्ट्रक्चर एक दूसरे के पीछे आ गया, जैसे ये मार्कर है, ठीक है ना बेटा, एक ब्लू मार्कर, सॉरी एक ब्लैक और रेड ले लेता हूँ, दोनों का कद काठी मतलब स्ट्रक्चर जो है सेम है, ठीक है ना। अब ब्लैक वाले के पीछे के आगे मैंने रेड वाले को रख दिया, और इस तरह से रखा कि पीछे वाला ब्लू वाला ब्लैक वाला दिख नहीं रहा है मार्कर दो, लेकिन दिख रहा है सिर्फ एक, तो इसको हम लोग कौन सा फॉर्म बोलेंगे बेटा? एक्लिप्स, ठीक है ना, क्लियर है, ये ऐसा था तो इसको एक्लिप्स नहीं बोलेंगे, ये आ गया तो एक्लिप्स, ठीक है ना, इसको आधा छुपाया है तो आधा एक्लिप्स, मतलब पार्शियली एक्लिप्स वर्ड यूज होगा।
अब ये एक्लिप्स नहीं है, क्लियर है सभी को? एक्लिप्स क्या होता है, एक के पीछे कोई दूसरा स्ट्रक्चर या कोई दूसरा ऑब्जेक्ट पूरी तरह से हाइड हो जाना, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्लिप्स। तो फिशर प्रोजेक्शन हमेशा एक्लिप्स फॉर्म में होता है। अब बोलेगे सर एक्लिप्स फॉर्म में होता है तो एक के पीछे कोई छुपा हुआ दिख नहीं रहा है, ऐसा कोई बोलेगा तो बेटा उतना दिमाग मत लगा, छुपा वाला है, पता चल जाएगा कैसे छुपा है, ठीक है ना? और वो अभी बताएंगे नहीं। कन्वर्जन जब किया जाएगा किसी एक्लिप्स का इसमें तो फिशर ऐसे ही बनता है, छुपा हुआ ही है, लेकिन दो कार्बन होगा तब पता चलेगा कैसे छुपा हुआ है। तो कोई ये दिमाग नहीं लगाएगा सर इसमें तो छुपा हुआ दिख ही नहीं रहा हमको कुछ, तो याद रखना फिशर हमेशा एक्लिप्स फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे दो टर्म्स यूज होगा, एक्लिप्स मतलब एक के पीछे एक दूसरा, इसका हिंदी मीनिंग होता है ग्रसित, ग्रसित मतलब ग्रहण, ग्रहण से लिया गया, ग्रहण मतलब एक दूसरे को छुपा लेना, ठीक है। और एक टर्म यूज होगा स्टेगर्ड, स्टेगर का मतलब है ये एक दूसरे के पीछे आ गया ऑब्जेक्ट तो एक्लिप्स, अब ये एक दूसरे के अपोजिट में, ठीक है ना, मान लो ये जो भी है ये यहाँ पे, इसको स्टेगर्ड बोलेंगे, ये नीचे है और ये ग्रुप इसके ऊपर है बट एक दूसरे के अपोजिट, तो इसको क्या बोलेंगे स्टेगर्ड। ये भी स्टेगर्ड होगा, अब ये पूरी तरह से अपोजिट नहीं है लेकिन फिर भी इसको स्टेगर्ड बोलेंगे, ठीक है ना। अब भी ये स्टेगर्ड होगा, अब भी ये स्टेगर्ड होगा लेकिन कुछ देर के बाद पूरी तरह से एक दूसरे के पीछे आ गया, इसको बोल देंगे एक्लिप्स। क्लियर है बेटा, ये दो टर्म्स यूज होगा एक्लिप्स और स्टेगर। तो फिशर सिर्फ एक्लिप्स फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, उसको ये एक्लिप्स से ही बनाया गया है। बाकी कुछ नए प्रोजेक्शन फॉर्म में जो यहाँ पे मैं यूज करने वाला है इसको समझाने के लिए, यहाँ पे प्रोजेक्शन उसको बोलते हैं न्यूमान, नया न्यू प्लस में जिसको बोलते हैं न्यूमान प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो देखो बच्चा क्या कहना चाहता है, ये कैसे दिखता है, यहाँ पे गोला गोला खेलते हैं बेटा, गोला छोटा सा एक बड़ा सा गोला, जो बड़ा सर्कल है वो भी कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉइंट वाला जो है ये भी कार्बन को, और इस तरह से रिप्रेजेंट कर, ठीक है ना, सर्व शिक्षा अभियान वाला सब बड़े। तो यहाँ पे कार्बन की ये छोटा गोला है ये भी कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट, ये जो बिग सर्कल है ये भी कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा 4, यहाँ पे 3 दिख रही है, एक चौथा वैलेंसी यहाँ पे बॉन्ड बनाते हुए नहीं दिख रहा कई लोगों को, तो लगेगा कि सर यहाँ पे तो 3 ही वैलेंसी कार्बन का, ना मुन्ना कार्बन की वैलेंसी 4 है, बताएंगे उसको थोड़ा सा, तो ये बस अभी बता रहे हैं प्रोजेक्शन, इसको बोलते हैं स्टेगर्ड, बोलते हैं इसको स्टेगर, बड़ा हो गया। इसको बोलते हैं स्टेगर, और एक बनने वाला है मॉडल बेटा, तो और अच्छे से क्लियर कर देते हैं, मैं ये फिलहाल तो इसी से काम चलाना पड़ेगा, कार्बन है ये वाला जो पॉइंट है ये 4 बोन बना लेगा सर, ठीक है ना बेटा। अब मैं बोल रहा यहाँ पे 2 कार्बन है, पॉइंट वाला कार्बन है और एक बड़ा सर्कल वाला भी कार्बन है, तो पॉइंट वाले कार्बन का कितना बोन बेटा 4 बोन, ये 3 बोन ये कार्बन है, यहाँ से ये पॉइंट वाला कार्बन यहाँ पे है, इसके ये 3 बोन दिख रहा सभी को, 1, 2, 3 और एक ये पीछे। अब इसके पीछे भी ऐसे कार्बन है बेटा, यहाँ पे भी क्या है कार्बन दिख रहा है सबको, ये बीच वाला कार्बन 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 कार्बन, ये छोटा वाला ये जो बीच वाला कार्बन है इसको मैं पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब ये कार्बन इस पीछे में भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये जो बॉन्ड है यहाँ पे कार्बन है बेटा और यहाँ पे भी क्या है कार्बन, तो यहाँ पे भी कार्बन के 3 वैलेंसी होंगे कि नहीं होंगे बेटा, ये तो नहीं कुछ ऐसा, यहाँ पे भी 3 वैलेंसी होगा कि नहीं होगा,
होगा ना। तो कार्बन का चार बॉन्ड दिख गया कि नहीं दिख गया बेटा? 1 2 3 4 तो ये तीन सामने और पीछे, ये छोटा सर्कल मतलब पॉइंट और ये बड़ा जो सर्कल है दोनों के बीच बॉन्ड है, ठीक है। तो अच्छा अब ये जो ऐसा है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एपेज फॉर्म। अब इसमें ऐसा दिख नहीं रहा होगा तो थोड़ा सा और इसको बड़ा बना लो डायग्राम को। ये पॉइंट, ये कार्बन है, ये कार्बन का फॉर्म, मेक इट लार्ज, ठीक है, बड़ा बना लें। तो देखो ये सर से जुड़ा हुआ है, अब मॉडल है नहीं ना बेटा तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं एक्लिप्स फॉर्म, ठीक है ना। एक्लिप्स कैसे, ये सामने लेके गया ऐसे लेके गया, तो ये वाला जस्ट इसके पीछे आ गया, इसको सबसे ज्यादा ही बड़ा बना दिया। तो ये पीछा ले दूसरे को कर्व कर दिए बेटा, कर दिए कि नहीं, इसको बोलते हैं एक्लिप्स। अब इसको थोड़ा सा मैं घुमा दो इसको ऐसे, तो ये क्या कहलाएगा, ये एक्लिप्स है तो ये क्या कहलाएगा, स्टेगर्ड, क्लियर है। फिर ऐसे घुमा दूंगा तो क्या बन जाएगा, एक्लिप्स। फिर घुमा दिया तो स्टेगर्ड, फिर ऐसा को रोटेट कर देते एक्लिप्स, और रोटेट कर देते स्टेगर्ड, फिर एक्लिप्स। अब ज्यादा रोटेट नहीं होगा, ठीक है, हाथ टूट जाएगा हमारा। तो समझ में आया ये प्रोजेक्शन कैसा है बेटा, ये सामने वाला कार्बन है, ये पीछे वाला कार्बन पॉइंट वाला और बिग वाला कार्बन आगे पीछे है, ठीक है, इन दोनों के बीच बॉन्ड है जो इसमें दिख नहीं रहा है। अब ये सामने वाले कार्बन की वैलेंसी और ये उसके बाद ये बड़ा सर्कल पीछे वाले कार्बन की वैलेंसी, तो समझ में आ गया बेटा। तो यहाँ पे दो फॉर्म होते हैं ल्यूमान में, एक स्टेगर्ड और एक एक्लिप्स। अब फिशर हमेशा किससे बनता है, एक्लिप्स से बनता है। एक है बेस गैस, ये बहुत पहले बचपन में पढ़ चुके हो मतलब स्टार्टिंग में। यहाँ पे तीन अलग अलग लाइन्स यूज होते हैं, जिसको बोलते हैं ये इन द प्लेन लाइन, एक एबो द प्लेन लाइन और एक बिलो द प्लेन लाइन। इस प्रोजेक्शन को बोला जाता है बेस गैस प्रोजेक्शन, ठीक है बेटा, इसे कहा जाता है वेज डेस्ट प्रोजेक्शन। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये जो इन द प्लेन वाला लाइन है मतलब ये ग्रुप, ये कार्बन, ये कार्बन, ये जो इन द प्लेन वाला है दोनों सेम साइड है कि नहीं बेटा? यस, तो दोनों सेम साइड है, तो इस कंडीशन को हम लोग इसको बोलते हैं क्या, एक्लिप्स। इन द प्लेन वाला ऊपर हो या नीचे हो बस सेम साइड होना चाहिए, उसे क्या बोलते हैं, एक्लिप्स। और ये कहीं भी ऊपर नीचे कहीं भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब ही होता अगर ये है तो एबो द प्लेन है, ये है तो बिलो द प्लेन है, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्लिप्स। वेज डेस में इसको बोलते हैं एक्लिप्स, ठीक है। इस छोटे छोटे इंफॉर्मेशन को याद रखना, स्टेगर्ड में क्या होगा बेटा, स्टेगर्ड में जैसे क्या होगा बेटा, अपोजिट इन द प्लेन वाले, बाकी अबव द प्लेन बिलो द प्लेन कार्बन के कहीं भी ऊपर नीचे बना सकते हो, सर्कल में ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, स्टेगर। एक अंतिम ये डेफिनेशन नोट कर लियो, डेफिनेशन नोट कर लियो, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, डेफिनेशन नोट नहीं किया तो रख कर रहा मैं। अंतिम बेटा लास्ट, सो प्लस हॉर्स, सो हॉर्स, सो हॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो
इसमें भी बड़ा सिंपल सा बेटर, एक अल्फाबेट टाइप का सिंबल होगा वाई, दिख रहे हैं? तो वाई बनाने का पैटर्न सेम साइड हुआ, तो उसे बोलते हैं एंकलेज। वाई बनाने का पैटर्न जो है एक दूसरे के अपोजिट हुआ, उसको हम क्या बोलेंगे? स्टेगर। अब ये दोनों कार्बन एक दूसरे से कनेक्टेड है बेटा, उसे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है ना, तो वाई बनाने का पैटर्न सेम साइड, तो एटलीस्ट वाई बनाने का पैटर्न एक दूसरे के अपोजिट साइड, तो स्टेगर। तो कंफर्म नोट्स के लिए ये वाला यूज करके इसमें ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, एटलीस्ट स्टेगर। ठीक है ना, इसमें समझ में आ जाता है, बट कई लोग कंफ्यूज होते हैं। तो न्यूमान अच्छे से देखेंगे, इस तरह का हुआ तो स्टेगर्ड, ऐसा हुआ तो एक्लिप्स। ये जल्दी से प्रोजेक्शन फॉर्मूला नोट डाउन करो। सो वेज और डैश फिर से बताना। वेज डैश फिर से बताना, पर उसमें चेक कैसे करना है वो? क्या सुनते हो यार बेटा, इन द प्लेन सेम साइड है, दिख रहा है, इसको बोला एक्लिप्स। इन द प्लेन अपोजिट है तो स्टेगर्ड, हो गया बस। ओके सर, तो और क्या है भाई? प्रोजेक्शन उसको याद रखना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, कब एक्लिप्स बोलना है, और उसमें है क्या ये टाइप पे स्ट्रक्चर दिखा, इस टेगर इसको दिखा तो एक्लिप्स, इस टाइप का फॉर्म दिखा तो एक्लिप्स, इस फॉर्म का दिखा तो स्टेगर, वाय सेम साइड का पैटर्न में दिखा तो एक्लिप्स, अपोजिट दिखा तो स्टेगर, ये सब हार्स का है। तो बस फिसर में एक्लिप्स फॉर्म ही रहता है, बाकी सब में स्टेगर और एक्लिप्स दोनों फॉर्म रिप्रेजेंट किया जा सकता है, क्योंकि बाकी सब दो कार्बन के लिए फिसर एक से ज्यादा का, एक या एक कार्बन एक से ज्यादा के लिए, एक कार्बन में कभी भी स्टेगर बनता नहीं है। दो कार्बन हुआ तो भी स्टेगर बनेगा नहीं, फिसर में फिसर में हमेशा एक्लिप्स बनेगा। तो वो सब बात की बात है, कन्वर्जन कैसे करते हैं पहले नहीं याद रख लो। तो अब हम न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा, नोट डाउन कर लिए? तो एक मिनट, एक मिनट, चलिए
डन सर। नेक्स्ट सेटिंग नोट करो। एग्जांपल आप देखते हैं कन्फॉर्मर्स का, ठीक है ना बेटा? न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला में ही और इथेन, इथेन में फॉर्मूला क्या है बेटा? इथेन पर C2H6 या CH3CH3, ठीक है ना बेटा? तो अभी तक देखे सोहार्स, ठीक है, इधर देखे तो न्यूमान नीचे में था, वेज है, उनमें दो कार्बन वाले थे बेटा, तो यहाँ पे भी दो कार्बन दिख रहा है, एक कार्बन और ये सेकंड कार्बन, तीनों की वैलेंस, इसके तीनों वैलेंसी हाइड्रोजन से हैं, इसके भी तीनों वैलेंसी हाइड्रोजन से, ठीक है? तो ये वाला जो कार्बन है इसमें पॉइंट वाला कार्बन मान लेता हूं, ठीक है, इसकी वैलेंसी तीन हाइड्रोजन, ठीक है? ये वाला जो कार्बन, इसको बड़ा सर्कल ले लेता हूं बेटा, इसके वैलेंसी तो ये कौन सा फॉर्म है बेटा जो मैंने रिप्रेजेंट किया यहाँ पे? कौन सा फॉर्म रिप्रेजेंट किया बेटा बोर्ड पे? न्यूमैन न्यूमैन का ही है, मतलब न्यूमैन का ही है। कौन सा फॉर्म है? स्टेगर। 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 ये जो पॉइंट वाला कार्बन, इसको मैं रोटेट नहीं करा, पीछे वाला जो सर्कल इसको मैं रोटेट कर दिया 60 डिग्री, तो क्या होगा बेटा? ये जो एच है इस हाइड्रोजन का पीछे चल जाएगा, ये एच है इसके पीछे चल जाएगा, और ये एच है इसके पीछे चल जाएगा, और पीछे एकदम बना तो सकता नहीं 3D में, 2D में 3D रहेगा, चलो तो 60 डिग्री रोटेट क्यों कर रहे हैं, कोई बता सकता है मुझे? पूरा सर्कल कितने का है बेटा? 60। और सभी एंगल कितने है? ये वाला पार्ट 60 डिग्री का, ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो 60 डिग्री रोटेट करूंगा तभी तो मुझे मिलेगा ना इस फॉर्म से ये फॉर्म, तो रोटेशन कितना हुआ है? 60 डिग्री, ठीक है? तो इस स्टेगर्ड को एक्लेस में किया है रोटेट करके 60 डिग्री, तो साइक्लोथिंग बोला था। इथेन में क्या मिला है आपको? दो कंफर्मर्स है, स्टेगर्ड है, एक्रिलेट, तो इथेन के कितने कंफर्मर्स बनेंगे? सिर्फ 2। क्लियर है बच्चों? चलो इथेन में कितने कंफर्मर्स मिलेंगे? 2। रोटेट करते हुए दिखाएं, वीडियो दिखाना पड़ेगा, आ रहा है क्या फ्रेम में? देखो देखना, इसमें रोटेट होते हुए दिखेगा ना। तो रोटेट होते दिख रहा, कैसा रोटेट होता है? तो ये वाला फॉर्म कौन सा बेटा? अभी ये वाला जो दिख रहा है स्टेगर्ड फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है बेटा? ये दिख रहा है सभी को? हाँ, फिर रोटेट होगा, काबर काबर सिंगल बोन है, देखो ये वाला डायग्राम बीच वाले में, हट गया बेटा। तो क्लियर है क्या होगा यहाँ पे रोटेशन? यहाँ पे सभी फॉर्म बने हुए हैं, ठीक है ना?
ये वाला कौन सा फॉर्म है, ऊपर वाला? हट गया बेटा, फिर से दिखाएंगे दूसरा डायग्राम में, नोट करो। क्लियर है सभी को? तो कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है जिसके कारण रोटेशन होगा, ठीक है ना? तो उसकी कॉपी क्या बोलते हैं बेटा, एक दूसरे के पीछे आ गया तो स्टे एटलीस्ट, अगर आज नहीं है तो स्टेगर। सर बेटा, तो वही अगर एक्लिप्स से अगर स्टेगर्ड करना पड़ेगा तो 60 डिग्री ऐसा जरूरी नहीं है ना, थोड़े एंगल से भी तो स्टेगर्ड बन सकता ना। क्या क्या? अगर अपन एक्लिप्स से स्टेगर्ड में जा रहे हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है ना कि 60 डिग्री, क्योंकि थोड़े एंगल से ही वो बन सकता है ना स्टेगर्ड। बेटा 60 डिग्री रोटेट करोगे तभी ना इसके पीछे आएगा जी, कैसे बात कर रहे हो? और कौन से एंगल से? नहीं सर, मैं 60 डिग्री करोगे तभी एक्लिप्स से स्टेगर्ड बोलता हूं। कहीं से भी, यहाँ से भी अगर इसमें चेंज करना तो भी तुमको 60 डिग्री का ही चाहिए रोटेशन। जब वो 60 डिग्री से, मतलब तुम ए से पॉइंट बी में जा रहे हो 10 किलोमीटर चल के, तो बी से आने में भी तो 10 किलोमीटर ही चलोगे ना। हाँ सर। सो हाँ बेटा, सो हाँ हाँ बोलो। सर इस कंफर्मर्स में एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है ना, कौन सी भी डायरेक्शन से रोटेट कर सकता है आपको, क्लॉकवाइज घुमा लो या एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो, दोनों सही है, ठीक है ना? ओके सर। ये सब हमारे पास है बेटा, बस नागपुर में क्या करें। देखो इसमें और अच्छे से क्लियर होगा। तो ये अभी दिख रहा है का, जो ब्लैक वाले वो कार्बन है, जो येलो वाले वो हाइड्रोजन है, ठीक है ना बेटा? कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, वही बताना चाह रहा है वो भी। अब उसको रोटेट करेगा, रोटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा बेटा? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो दिख रहा है ना बेटा। अब उसको एक साइड पे ला के देखेंगे तो क्या होगा, देखो वहां पे घुमा ले भाई कितना भी, देखो टाइम पास कर रहा घुमा घुमा के। अब देखो एक दूसरे के पीछे लेके आएगा, अगर सेम ग्रुप एक दूसरे को कवर कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक दूसरे को कवर किया बेटा, एक दूसरे को पूरी तरह से नहीं उसने प्रोजेक्ट किया है बट कवर हुआ है ना, तो इसको हम लोग कौन सा फॉर्म बोलेंगे? एक्लिप्स, ठीक है बेटा। अब ये कौन सा फॉर्म होगा? ये स्टेगर्ड फॉर्म होगा। कौन सा फॉर्म होगा बेटा? स्टेगर्ड। अब ये एक्लिप्स बन गया फिर से, तो रोटेट क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं। अभी एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, इससे पहले एंटी क्लॉकवाइज घुमाया था, क्लियर है ना? यस। तो ये स्टेगर्ड हुआ, क्लियर है बच्चा? यस सर। तो इस तरह से कंफर्मर्स बनता है। अब उसको 3D में दिख गया ना सबको, समझ में आ गया, एक एग्जांपल देख गया होगा तो सब क्लियर हो गया था। ये कार्बन है सामने की ओर और एक पीछे की ओर, क्लियर है बेटा? और रोटेट किया पड़ा है तो दो फॉर्म बनेगा, स्टेगर्ड और एक्लिप्स। इथेन में दो और फॉर्म बनते हैं, लेकिन वो दूसरे कंपाउंड में बताऊंगा किस टाइप में। पहले इसको नोट करो जल्दी से। इथेन वाला क्लियर हो गया बेटा सबको? बच्चा क्लियर है ना? हाँ सर। सेकंड एग्जांपल, 1,2-dichloroethane
conformers of 1,2-dichloroethane. ये हेलो एल्केन्स, हेलो एनिन चैप्टर का क्वेश्चन बनेगा आपका 12 का, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है ना बेटा? राइट द कंफर्मर्स ऑफ 1,2-dichloroethane. राइट द कंफर्मर्स ऑफ 1,2-dichloroethane. वहां पे ये क्वेश्चन बन सकता है. तो 1,2-dichloroethane का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? कार्बन 2 है तो इथेन, ये फर्स्ट, ये सेकंड, इसके भी क्लोरीन, इसके भी क्लोरीन, बाकी के दो क्या होंगे बेटा? हाइड्रोजन, ठीक है? इस कार्बन को मैं पॉइंट वाले कार्बन ले लेता हूं बेटा, ये कार्बन ए को, कार्बन जो है ये पॉइंट वाला था, अभी वाला कार्बन के लिए सर्कल ले लेता हूं. ठीक है, इसकी भी वैलेंसी है बेटा, एक एटलीस बना लेता हूं, सॉरी स्टेगर बना लेता हूं पहले, फिर ये फिर स्टेगर, फिर एटलीस, फिर स्टेगर. तो बोर्ड एग्जाम में आया तो वहां बना के दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना बेटा? ऐसे कॉपी में जैसा हम बना रहे हैं. बाकी जेडब्ल्यू और नीट के लिए, जेडब्ल्यू के लिए ऐसा बना के लिखना पड़ेगा, ठीक है ना? उसमें पूछेगा, चार फॉर्म दे देगा, कौन ज्यादा स्टेबल है, दो फॉर्म दे देगा, पूछेगा कौन स्टेबल है, स्टेबिलिटी का फैक्टर क्या, अभी सब डिसाइड होगा, पहले अभी इधर देखते हैं. तो इस कार्बन पे जो वैलेंसी को मैं फिक्स कर देता हूं बेटा, सीएल इधर रख लेता हूं, एच इधर, इधर आप सीएल को इस साइड रखो, इस साइड रखो, कहीं भी रखो, बस मैं जगह फिक्स कर रहा हूं. आप भी कहीं भी फिक्स कर सकते हो, कंपलसरी नहीं है सीएल इधर ही रखना है, लेकिन एक बार इसमें सीएल ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया तो सब में यही प्रोजेक्ट करना है. अभी तो हम लोग कंक्लूजन डिफरेंस निकाल पाएंगे ना. अब इसमें भी कुछ रिप्रेजेंट कर देते हैं, यहाँ पे सी ए, अपने रोटेशन सब में कितना कर रहा हूँ बेटा, 60 डिग्री का. तो सब एक दूसरे में 60 डिग्री कन्वर्जन कहीं होंगे ना बेटा, क्यों 60 डिग्री लूंगा, क्लियर है बेटा? तो 60 डिग्री लूंगा, क्लियर है ना बेटा? क्योंकि यहाँ पे पूरा गेप कितना है बेटा, सिमेट्रिकल है, और पूरा सर्कल कितना होता है, 360 का, तो हर एक जो गेप है वो कितने का होगा, 60 डिग्री का. तो एग्जाम में आपका 60 का डबल कर सकता है, ट्रिपल कर सकता है, पूछेगा 60 का डबल कर दो तो कौन सा फॉर्म मिलेगा. तो यहाँ पे 60 डिग्री रोटेट करो तो क्या मिलेगा बेटा, बताओ? 60 डिग्री रोटेट करो तो क्या मिलेगा बेटा,
ये वाला जो H है ये CL के पीछे चल जाएगा, कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा भाई रोटेशन। अब देखो डायग्राम पे दिख गया तो आपको समझ में आना चाहिए, ये वाला कहाँ से जाएगा, इस H के पीछे चल जाएगा, ठीक है, एकदम पीछे तो एकदम बना नहीं सकते, इसलिए साइड से बनाना पड़ेगा। ये वाला CL यहाँ पे चल जाएगा। बेटा किसी का माइक ऑन है, जब बोलना नहीं तो बंद कर। फिर से 60 डिग्री रोटेट करो तो क्या होगा बेटा, ये जो एच है ये सेंटर बीच में आ जाएगा, ये जो एच है इस सेंटर पे आ जाएगा, और ये जो सी एल इस सेंटर पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट बढ़िया से बनाना। अगेन 60 डिग्री रोटेट करो तो क्या होगा बेटा, ये जो एच है सेल के पीछे चल जाएगा, ये जो एच है ये भी सीएल के एच के पीछे चल जाएगा, और ये जो एच है ये भी इसके पीछे चल जाएगा। बोले तो सर यहाँ नीचे बना, आप ऊपर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा इसको ऐसे नीचे भी बना सकते हैं, इससे कोई रॉन्ग नहीं हो जाएगा। अब फिर 60 डिग्री रोटेट करोगे तो ये सेंटर पे आ जाएगा। अगेन 60 डिग्री रोटेट करोगे सीएल कहाँ है बेटा, यहाँ पे तो कहीं का हाइड्रोजन हाइड्रोजन लिख दे क्या, यहाँ सीएल है ना, ये सीएल यहाँ पे गया, हाइड्रोजन इसके पीछे, ये इसके पीछे, फिर रोटेट किया 60 डिग्री तो सीएल यहाँ आ गया, सीएल के पीछे हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, अगेन रोटेट किया तो एच, ये जो सीएल इन बीच में, ये जो हाइड्रोजन है वो बीच में, फिर से रोटेट करते तो क्या होगा बेटा, एक प्लेस बनेगा। लास्ट वाला दिख रहा है कुछ, दिख रहा बोर्ड पर थोड़ा सा छुप गया ना, लास्ट वाला देखो यहाँ पे ये वाला यहाँ पे जाएगा, ये वाला इसके पीछे, ये वाला इसके पीछे, मतलब हर एक स्टेगर्ड 60 डिग्री रोटेशन पे स्टेगर्ड है, एक्लिप्स एक्लिप्स है, एक्लिप्स स्टेगर्ड एक्लिप्स, फिर से 60 डिग्री रोटेट करके तो स्टार्टिंग वाले स्ट्रक्चर मिल जाए। तो ये रोटेशन में किसी को तकलीफ है, कैसे रोटेट हो रहा था, क्लॉकवाइज घुमाया, आप उल्टा घुमा दो एंटी क्लॉकवाइज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे कितने फॉर्म बने बेटा, पूरे को पकड़ो तो 1 2 3 4 5 6 दिख तो रहा है, लेकिन इसमें से कुछ रिपीट हुए हैं, पता चल जाएगा कौन कौन से। मुझे ये बताओ रोटेशन सर में आया, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच क्या बेटा सिंगल बॉन्ड है, यहाँ से एक ग्रुप लगा है, ये रोटेट होना तो ये भी रोटेट होगा, तो इस तरह रोटेट करके ये डायग्राम बनाया हमने, और कुछ नहीं है बेटा, बनाना सीखना नहीं है, बना कैसे ये समझ में आया, ठीक है, एग्जाम में बना बनाया मिलेगा, बोर्ड एग्जाम भी अगर आता है तो बना के दिखाना पड़ेगा, तो उस समय क्या करना है, एक बार बीच में ले जाना है, एक बार पीछे ले जाना है, एक बार बीच में ले जाना है, फिर एक बार पीछे ले जाना है, बस इतना सा काम करना है बेटा, इतना कर लोगे कि नहीं बेटा पहले बताओ। Yes, हो जाएगा सभी से। अब मैं बोल रहा इसमें से 6 फॉर्म तो दिख रहा है, 6 स्ट्रक्चर दिख रहा है, लेकिन 6 के 6 इक्वल नहीं है बेटा, ठीक है ना, मतलब पूरा अलग अलग नहीं है और ना है इक्वल है, कुछ कॉमन है। देखो तो मैंने बताया एक टर्म्स तो पहले क्लियर है, एक्लिप्स, तो एक्लिप्स के आगे एक लगेगा फुल्ली एक्लिप्स, वैसे एक टर्म्स और क्या था बेटा स्टेगर, स्टेगर के भी आगे एक टर्म्स लग जाएगा यहाँ पे फुल्ली स्टेगर। तो बेटा ये नाम सुने होंगे कंप्लीट सोलर एक्लिप्स, ठीक है ना, पार्शियल सोलर इक्लिप्स सुने कि नहीं सुने बेटा, अब क्या ग्रहण हमेशा पूरा लगता है क्या, कभी कभी आधा भी लगता है, कभी कभी थोड़ा सा दिखाई देता है, कई सालों के संयोग के बाद ऐसा, मतलब टीवी दिखाता है हजारों सालों के संयोग के बाद ऐसा संयोग बना, जब पूर्णतः चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण दिखेगा, देखिए अपने राशि में क्या क्या घटित होने वाला है, ऐसा समाचार सुने कि नहीं सुने। यहाँ पे भी ऐसा ही टर्म्स है, फुली एक्लिप्स फुली स्टेगर, ठीक है ना। अब यहाँ पे हाफ नहीं बोलते, यहाँ पे बोलते हैं पार्शियली, मतलब पार्टली एक्लिप्स, पार्शियली एक्लिप्स,
तो फुल्ली एक्लिप्स मतलब बेटा देखो यहाँ पे ये पूरी तरह से कवर हो चुका है एक दूसरे के पीछे, क्या ये ऐसे घुमा लो थोड़ा सा, ये पूरी तरह से कवर कर दिया पिछले को, तो ये फुल्ली एक्लिप्स। अब इसको मैं ऐसे कर दिया तो पूरी तरह से कवर है क्या पीछे वाला? नो दिख रहा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? पार्शियली एक्लिप्स, ठीक है ना? और इस फॉर्म को समझ लो स्टेगर्ड बोल रहे हैं, सर स्टेगर्ड इस फॉर्म को बोल देते हैं। ये भी स्टेगर्ड है, एक मार्कर के पीछे ऊपर एक मार्कर, ठीक है ना? ये भी स्टेगर्ड है, ये ऐसा, ये भी स्टेगर्ड है। तो एक जैसे ग्रुप एक दूसरे के उल्टे में आए, अपोजिट में आए, जैसे अभी दिख रहा है ये नीचे है तो ये ऊपर है, इसको मैं स्टेगर्ड बोल रहा हूं, ध्यान में रखना। इसे भी मैं स्टेगर्ड बोल रहा हूं, इसे भी मैं स्टेगर्ड बोल रहा हूं, समझाने के लिए, ठीक है ना? तो अगर एक दूसरे के अपोजिट में है जस्ट, तो फुल्ली स्टेगर्ड। अगर ऐसा डाउन आया है, एल टाइप बन गया, बी टाइप बन गया, तो इसको बोलेंगे पार्शियली स्टेगर्ड, ठीक है बेटा? तो मैं कुछ नंबर दे रहा हूं यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो मुझे बताओ यहाँ पे एक्लिप्स फॉर्म कौन कौन से हैं? फुल्ली हाफ ये सबसे कोई मतलब नहीं, बस बता एक्लिप्स कौन से, स्टेगर्ड कौन से, बताओ जल्दी से। बीडीएफ, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं से आता है, ठीक है ना? तो एक्लिप्स देखो तो बेटा ये सेकेंड एक्लिप्स, ये एक्लिप्स है क्या थर्ड वाला? नो नहीं है। फोर्थ वाला एक्लिप्स है? यस यस। फोर्थ के बाद एक्लिप्स कौन सा है? सिक्स, सिक्स वाला। स्टेगर्ड कौन सा बेटा? फर्स्ट। और कोई स्टेगर्ड है क्या? थर्ड। और कोई स्टेगर्ड है क्या बेटा? फिफ्थ। क्लियर है? तो सेकेंड फोर और सिक्स एक्लिप्स है, स्टेगर्ड में 1, 3, 5। मुझे ये बता इतना पहचान लिए सबको ही? Yes, इतना आइडेंटिफाई कर लिए बेटा सबको ही? यस सर। अब देखो यहाँ पे टू को देखो, हाइड्रोजन के पीछे सी है क्या? सी यहाँ पे हाइड्रोजन के पीछे सी है क्या? एक दूसरे को ये पूरी तरह से कवर कर पाएंगे? चलो माना सीएल हाइड्रोजन को छुपा लेगा, बट क्या हाइड्रोजन यहाँ पे सीएल को छुपा लेगा? हाइड्रोजन कहाँ ऐसा छोटा सा नानचुक वाला छोटा सा, सीएल कहाँ एकदम बड़ा सा दानों टाइप, कैसे छुपाएगा? पीछे हो सकता है क्या कवर? नो। इसको हम कौन सा एक्लिप्स बोलेंगे? एक्लिप्स तो है पर पूरी तरह से नहीं है, तो ये जो सेकेंड वाला है किसमें जाएगा बेटा? पार्शियल एक्लिप्स। अब फोर्थ वाले पे जाते हैं बेटा, कहाँ फोर्थ वाला? ये सीएल के पीछे सीएल है, कवर हो गया। हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, कवर हो गया यहाँ पे भी। तो ये जो फोर्थ वाला है कहाँ जाएगा बेटा? फुल्ली एक्लिप्स, ठीक है ना? अब उसके बाद सिक्स वाला जो है, हाइड्रोजन के पीछे सीएल, सीएल के पीछे हाइड्रोजन, तो मुझे क्या बताओ यहाँ पे पूरी तरह से कवर हो पाएगा? नो सर। तो किसमें रखूंगा इसको? पार्शियली। इसमें फोर्थ था ना, सेकंड कहाँ थी? हाँ सेकंड, सेकंड के बाद फोर्थ था, सिक्स की बात कर रहा हूँ। ये दोनों सेम स्ट्रक्चर है बेटा, सेकंड और फोर्थ सेम स्ट्रक्चर है, बस घूम गया ऊपर नीचे, ठीक है? अब बात करते हैं स्टेगर्ड। तो यहाँ पे देखो सीएल के पीछे सीएल दिख रहा है, मतलब मार्कर है, मार्कर के पीछे मार्कर, इसको बोलेंगे स्टेगर्ड। हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, तो ये भी पूरी तरह से स्टेगर्ड है, तो वन वाला। बच्चा थर्ड और फाइव में, थर्ड में देखो क्या सीएल के पीछे सीएल है? सीएल के पीछे सीएल नहीं है, सीएल के जस्ट बाजू में, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? स्टेगर्ड तो है लेकिन कौन सा स्टेगर्ड? पार्शियल स्टेगर्ड, मतलब पार्शियल स्टेगर्ड, पार्शियल बोलो, पार्शियल भी बोल सकते हो। थर्ड
फिफ्थ भी वैसा ही है, तो थर्ड और फाइव दोनों सेम पेयर है। ठीक है बच्चा लोग, तो ये मुझे बताओ फुल्ली स्टेगर्ड, फुल्ली एक्लिप्स्ड, पार्शियली स्टेगर्ड और पार्शियली एक्लिप्स्ड। समझ में आया? आया कि नहीं बेटा? यस सर। तो ये चार फॉर्म हर दो फर्स्ट और सेकंड बनना कंपलसरी है, और बाकी सब में अगर इस टाइप का है कोई भी एक एलिमेंट अलग अलग है या फिर सेम है, मतलब वैलेंसी देखो दो वैलेंसी सेम है एक अलग है, तो मतलब ये चारों फॉर्म बन जाएंगे और इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछता है। इनमें क्या पूछता है? स्टेबिलिटी ऑर्डर। इनमें क्या पूछता है? स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो याद रखना हमेशा स्टेगर्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, सेम टाइप के ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट में है तो रिपल्सिव नहीं होगा। भैया मैग्नेट वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, मैग्नेट का सेम पोल एक साथ आ जाए पास पास तो रिपल्सन होता है कि नहीं होता बेटा? और रिपल्सन होते स्टेबल नहीं होगा, यहाँ पे अपोजिट होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? फुल्ली स्टेगर्ड। उसके बाद कौन सा स्टेबल होगा बेटा? पार्शियली स्टेबल। उसके बाद पार्शियल एक्लिप्स। हाँ पार्शियल, वेरी गुड। पार्शियल एक्लिप्स सबसे कम स्टेबल कौन सा होता है? फुल्ली एक्लिप्स। ये ऑर्डर याद है, बट कंडीशन एक है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन द प्रेजेंस ऑफ H bonding. जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा तब। पूरा नोट कोड दिखाओ। तो ये ऑर्डर चलेगा, ठीक है ना? स्टेबिलिटी ऑर्डर का। तो नोट कर लो बेटा, कंफर्मर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो ऑर्डर में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, फुल्ली कम स्टेबल होगा, पार्शली ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। नोट कर लो क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके, कल के क्लास में देखेंगे। तो कंफर्मर्स है कुछ नहीं बेटा, सिंपल सा रोटेट करके बनाना है। ये चार फॉर्म बनते हैं, इन्हीं चार फॉर्म से क्वेश्चन पूछता है कौन स्टेबल है कौन नहीं, और इसके साथ आइसोमेरिज्म हुआ कंप्लीट। कल इसके क्वेश्चन कर लेंगे, बहुत दिन हो गया ना आइसोमेरिज पढ़ते पढ़ते। तो नोट कर लो बच्चा लोग, आज बस इतने ही देखेंगे, बाकी कल इसके क्वेश्चन करेंगे कैसे आते हैं। सर एक बार कंफर्म बता दो डाउट क्लास कितने बजे रहेगी? डाउट क्लास रेगुलर जो टाइम अभी चल रहा है 6:30 उसी पे रखेंगे, ठीक है? ओके सर। सर अभी ऑफलाइन चलोगे क्या? अभी तो नहीं है बेटा, होगा तो सर लोग आपको मैसेज कर देंगे।